हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 times ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी उनकी आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए अभी इस वक्त क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की तरफ से। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। सबसे पहला मैसेज तो ये है कि इनका भी दिल टूटा है, इनको भी लाइफ में बहुत बैड एक्सपीरियंस हुए हैं, इन्होंने भी अपने आप को बहुत बार जोड़ा है, वापस से हील किया है, रिकवर किया है। इवन आपके कारण भी हो सकता है कि इनका दिल टूटा हो, आपने भी इनको इमोशनली हर्ट किया हो या इन्होंने आपको इमोशनली हर्ट किया हो किसी कारण से, किसी मजबूरी से, और बाद में इनको कोई लाइफ लेसन मिला हो कि हाँ मैंने किसी को तकलीफ़ दी थी, अब मेरे साथ वो चीज़ें हो रही हैं तो मुझे पता चल रहा है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपके पर्सन आपको ये जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जितना दर्द आपको हुआ है उतनी ही तकलीफ़ से मैं भी गुजरी हूँ या मैं भी गुजरा हूँ, मैंने कम तकलीफ़ें नहीं सही हैं लाइफ में। तो जो भी चीज़ें हैं हील हो जाएंगी, रिकवर हो जाएगी। अगर कोई लॉस हुआ है तो हील हो जाएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है रिलेशनशिप में तो हील हो जाएगी। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो समय के साथ हील नहीं हो सकती। तो ये पहला मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए। सेकंड मैसेज है लुक बियॉन्ड इल्यूजन। यहाँ पर देखिए बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो एक लिमिट तक ही सोचते हैं, हमारा आज ब्रेकअप हुआ कल यूनियन हो जाए या कब तक हो जाएगा, बस उनको इससे मतलब होता है। कई लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार हो चाहे ना हो बस वो खुश रहे। कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या है, हमें लिमिट में नहीं चाहिए, फ्यूचर क्या है, लॉन्ग लाइफ में क्या होने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, जिन्होंने रफा दफ़ा करो, मेरे को चाहिए ही नहीं, वापस आएगा मैं भगा दूंगा सामने से, तो ऐसी वाइब्स होती है। तो कई लोगों के पार्टनर ये बताना चाहते हैं कि दूर की सोचा करो, अपने जो आपने एक अपने अंदर एक इल्यूजनरी दुनिया बनाई है उससे थोड़ा सा बाहर निकलो। सब कुछ आपकी इल्यूजन्स के हिसाब से नहीं होगा, सब कुछ आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से नहीं होगा कि आपने सोच लिया कि मेरा पार्टनर सिर्फ मेरा है तो सिर्फ आपका ही हो, या आपने सोच लिया कि आपका पार्टनर अपनी फैमिली को छोड़ देगा और आपको अपना लेगा तो ऐसा ही हो, या आपने सोच लिया कि आपका पार्टनर आपको छोड़ देगा और फैमिली को अपना लेगा तो ऐसा ही हो। अलग अलग इल्यूजन्स होते हैं। कई बार लोग इल्यूजन्स ऐसे क्रिएट करते हैं कि मेरा पार्टनर तो चीटर है, मेरा पार्टनर तो प्लेयर है, अगर वो किसी लड़की से बात भी कर लिया तो मतलब उस वो तो धोखेबाजी है, ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर कि तुम तो धोखेबाज हो, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी होती है। कई मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जो रिश्ता बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल सा रिश्ता सिर्फ शक से ख़राब हो जाता है। शक इतना बुरा होता है कि बिना किसी बेसलेस सबूत, बिना किसी बेस के, बिना किसी सर पैर के बस कुछ देख लिया, कुछ इमेजिन कर लिया, कुछ इल्यूजन क्रिएट कर लिया एंड देन लड़ बैठे एक दूसरे से, पूरी बवाल मचा दिया और रिश्ता ख़त्म कर दिया। तो आपके पार्टनर का ये मैसेज है कि अपनी इल्यूजनरी दुनिया से बाहर निकलो और सच्चाई को देखो, ठीक है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। थर्ड मैसेज है आपके लिए वर्क ऑन योर कनेक्शंस। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अपने कनेक्शन पर वर्क नहीं कर रहे, मे बी आपके पार्टनर वर्क नहीं कर रहे या आप नहीं कर रहे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों को मिलकर इस कनेक्शन पर वर्क करने की ज़रूरत है। कुछ भी वन साइडेड नहीं हो सकता। नेक्स्ट मैसेज है यू विल गेट थ्रू दिस। जो भी सिचुएशन है इससे आप बहुत जल्द बाहर आ जाएंगी या आ जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस रिश्ते में ये सब कुछ प्लान कर चुके हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम दोनों इस प्रॉब्लम से, जो भी प्रॉब्लम है आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, उससे बाहर आ जाएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, फ्लर्टिशियस एनर्जी है, तो ये आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस भेज सकते हैं, कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो थोड़ी नॉटी हो और आपको हो सकता है अच्छी लगे, हो सकता है आपको गुस्सा है, तो यहाँ पर फ्लर्ट की एनर्जी है। इवन आप में से कुछ लोग के पार्टनर ये भी बोल सकते हैं कि शायद तुम फ्लर्ट कर रहे हो, तुम किसी और के साथ भी बातचीत कर रहे हो, थोड़ा शक या इल्यूजन्स यहाँ पर हो सकते हैं।
बहुत सारे व्यूवर्स के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये यूनियन चाहते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो भी, अनमैरिड हैं तो भी, यहाँ पर अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो आपके पर्सन अभी इस वक्त आपसे यूनियन की उम्मीद कर रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधार कर ये वापस आना चाहती हैं या वापस आना चाहते हैं। और मैसेज देख लेते हैं कुछ। नेक्स्ट मैसेज है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये चाहे कि कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, बट आप इन पे ट्रस्ट करते हो। कुछ लोगों के ऐसी एनर्जी होती है कि आपको अपने पार्टनर पे आंख बंद करके भरोसा होता है, कई बार वो भरोसा टूटता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बट आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा है, इनको आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आपको भूलते नहीं कभी भी, आपको लगता है कि वो आपसे दूर हैं तो वो आपको भूल चुके हैं या उन्हें आपकी याद नहीं आती, बट ऐसा नहीं है, इन्हें हर वो पल याद है जब आप इनकी लाइफ में आए थे, जब आप इनसे पहली बार मिले थे। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि ये चाहते हैं कि बातचीत से मिसअंडरस्टैंडिंग को हल किया जाए, झगड़े से कुछ नहीं होने वाला, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बातचीत से हल कर लेते हैं, ये मैसेज है, मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं, बीच का रास्ता निकल जाएगा। लास्ट मैसेज है, आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि अपने पार्टनर से दूर हो चुके हैं, मे बी आपने उनको बोल दिया है कुछ क्लैरिटी देने के लिए और वो नहीं दे पा रहे, तो आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या दूरी बना ली है। यहाँ पर है कि आपके पार्टनर का ये भी मैसेज है कि इस रिश्ते से लेट गो करना या दूर हो जाना इनके लिए बहुत टफ है, इनके लिए ईजी नहीं है, ये इतना आसान नहीं है कि मैं तुमसे मूव ऑन कर लूँ, इतना आसान नहीं है मेरे लिए, ये एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है कि आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि शायद मेरे पार्टनर मेरे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते होंगे, इसलिए मेरे साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, या उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है इसलिए वो महीनों महीनों मुझसे बात नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, बस ये थोड़ा सा इनकी अपनी कुछ सिचुएशंस हैं जो आपको बताएंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस के साथ, होप आपको इस शॉर्ट वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेड मैसेजेस ज़रूर मिले होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।